टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 ऑफ साइंस एसिड बेस रिसॉल्व. एवरीबडी नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. यू अर्लियर क्लास से पहले आप पढ़ चुके हो, एट्थ क्लास में भी है हमारे पास, सेवन्थ में भी है, एट्थ में भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. एसिड और बेस, एसिड को हिंदी में अम्ल भी कहते हैं, इनको हम क्षार भी कहते हैं. इसे पता भी, जो सोलिन टेस्ट, जो पदार्थ खट्टे होते हैं टेस्ट में, वो सारे एसिड होते हैं. जो बिटर होते हैं, बिटर मीन्स कड़वे होते हैं, जो कड़वे होते हैं वो सारे क्षार होते हैं. जो शोर मतलब खट्टे, जो खट्टे होते हैं वो सारे सोलिन टेस्ट होते हैं. इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, इनमें OH नेगेटिव आयन होता है. ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं. हमारे पास लिटमस पेपर होता है, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे. तो ब्लू लिटमस को जो रेड कर देता है वो एसिड है, और जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है वो हमारे पास क्षार होता है. ये कोरोइड होते हैं, ये डज नॉट कोरोइड होते हैं. ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, यानी बिजली पास हो सकते हैं. जब हम इलेक्ट्रिक कोई भी बैटरी में कहीं भी यूज करते हैं तो ये इसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं. इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो दिस आर द डिफरेंस है एसिड और बेस क्या होता है. लेसन का नाम ही एसिड और बेस. क्या एसिड है क्या, तो हमें पहले इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए क्या चीज़ एसिड है क्या चीज़ बेस है, फिर हम बाद में पढ़ेंगे इसमें साल्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स. इंडिकेटर मीन्स हाउ कैन बी आइडेंटिफाई दिस इज एसिड और बेस. दे आर सम सब्सटेंस विच हेल्प हाउ कैन बी आइडेंटिफाई दिस इज एसिड और बेस बाय द रिएक्शन. फर्स्ट इज लिटमस. लिटमस आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज रेड लिटमस एंड सेकेंड इज ब्लू लिटमस. वैन वी इज इन एसिड में क्या होगा, एसिड में ब्लू लिटमस अगर हम डालेंगे, ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड कलर. एंड बेस में क्या होगा, जो रेड लिटमस है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. तो वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज एसिड वर्सेस बेस बाय द लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस आर टू टाइप. लिटमस सॉल्यूशन भी होते हैं हमारे पास, पेपर में भी आते हैं. तो ब्लू लिटमस को डालेंगे एसिड में तो रेड कलर का हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो रेड कलर ब्लू हो जाएगा. बेस में अगर हम ब्लू डालेंगे कुछ नहीं होगा, बेस रहेगा. अगर एसिड में हम रेड डालेंगे तो रेड ही रहेगा. तो हम सिर्फ अगर हम एसिड होगा तो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, रेड में कोई इफेक्ट नहीं होगा. अगर हमारे पास बेस है तो रेड लिटमस हम ब्लू में डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, अगर एसिड है हमारे पास, एसिड में क्या होगा, जैसे एसिड में हम डालेंगे तो वो रेड कलर हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा. क्या मिथाइल, अगर हमारे पास मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, हम उसको एसिड में डालेंगे तो तुरंत उसका कलर रेड कलर में चेंज हो जाएगा. अगर मिथाइल ऑरेंज को हम डालेंगे बेस में, अगर बेस में डालेंगे, इस मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे बेस सॉल्यूशन में, तो येलो कलर में चेंज हो जाता है, येलो कलर में चेंज हो जाएगा. तो ये हमारे पास है सेकंड इंडिकेटर. अगर मिथाइल ऑरेंज हम है तो अगर हम एसिड में डालेंगे तो रेड कलर चेंज हो जाएगा, बेस है वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा. नाम ही जैसे मिथाइल ऑरेंज है, लगभग उसका ऑरेंज कलर का होता है. बाकी जैसे हम एसिड में डालेंगे रेड कलर में चेंज होगा, बेस येलो कलर में चेंज होगा. तीसरा हमारे पास फिनोप्थलीन. फिनोप्थलीन इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, मोस्टली यूज इन द लेबोरेटरी. तो इन दिस में एसिड जो होगा हमारे पास, एसिड में हम डालेंगे फिनोप्थलीन और बेस में डालेंगे फिनोप्थलीन. तो एसिड में डालते क्या होगा, उसका कलरलेस सॉल्यूशन रहता है, यानी कि नो चेंज, जैसा सॉल्यूशन वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन जैसे अगर फिनोप्थलीन को बेस में डालेंगे तो उसका तुरंत पिंक कलर हो जाता है हमारे पास, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा. तो ये हमारे पास इंडिकेटर्स है जिसे आइडेंटिफाई करते हैं विच इज एसिड और विच इज बेस, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है. अगर हम देखेंगे, एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी का, बॉक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो यही कह रहा है. बॉक्स क्वेश्चन में जो फर्स्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे कि हमारे पास तीन बॉटल्स है. मार्क इज ए बी एंड सी. द ऑल द थ्री बॉटल है सेम कलरलेस सॉल्यूशन, नो कलर. हाउ कैन एन आइडेंटिफाई दिस एसिड और बेस और वाटर. ऑल द थ्री बोतल है वाटर, एसिड एंड बेस. वी डोंट नो, हमें नहीं पता किसमें एसिड है किनमें बेस है किसमें साल्ट. ओनली हाउ कैन आइडेंटिफाई, वी हैव ओनली रेड लिटमस पेपर, ओनली हैव रेड लिटमस पेपर. कैसे करेंगे हम, ये आपके उम्र के लिए है, ट्राई करना. फिर भी मैं थोड़ा चलो बता ही देता हूँ, करते हैं ट्राई. क्या है रेड लिटमस हमारे पास,
हम रेड डिटमस डालेंगे तीनों बोतल में, देखेंगे डाल के जिस बोतल में कलर रेड कलर हो गया, मान लीजिए बी में रेड कलर चेंज हो गया ब्लू में, इट मीन्स दैट इज क्या हो गया वो बेस, गुड वेरी गुड, वो होगा बेस। लाइक दिस बी में था हमारे पास, तो हमने मार्क कर दिया दिस इज बेस, हमारे पास रेड कलर चेंज हो चुका ब्लू में। अब इस ब्लू कलर पेपर को जो हमारे पास ब्लू कलर हो चुका है, इसको लेफ्ट टू में डालेंगे ए और सी में, यानी कि जिस भी बोतल में डालने पर इसका कलर रेड हो गया, लेट हमारा ए में हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मार्क एसिड। ऑलरेडी थर्ड क्या है दिस इज द वाटर, तो इस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है। इसी प्रकार से आपका होमवर्क है कि आपके पास रेड लिटमस नहीं है, यू हैव ओनली ब्लू लिटमस, देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज एसिड और बेस और वाटर कौन सा है, ये आपका होमवर्क आप ट्राई करेंगे। थैंक यू।